प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। प्रभात खबर में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ सत्यलोचन। हम इस समय बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर में हुए बम धमाके की। बम धमाका जिसने पूरे बिहार को दहला कर रख दिया और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है। के राजनीतिक गलियारे में भी इसकी गूंज पहुंची है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और अब इस मामले की जांच की जाएगी। लेकिन इसके पीछे कई सवाल ऐसे हैं जो आम लोगों के हैं। इन आम लोगों के सवालों को भी आपके बीच लाना बेहद जरूरी है। भागलपुर में बम विस्फोट की घटना ये पहली बार नहीं है। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई बम विस्फोट की घटना लोगों के सामने आई है। बस अंतर सिर्फ ये है कि यह विस्फोट कुछ इस कदर का है जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और अब मामला सामने इस तरह आया है कि कार्रवाई इस पर होनी तय। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भागलपुर के ततारपुर थाना अंतर्गत आने वाले काजवली चक में जिस तरह यह विस्फोट हुआ, पहले हम आपको भौगोलिक स्थिति बताएं कि जहां पर विस्फोट हुआ है वो उसका लोकेशन किस तरह, कहां पर वो जगह है। भागलपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन की हम बात करें तो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वह जगह है जहां विस्फोट हुआ है। एक मकान के अंदर इतना बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की गूंज लगभग कई किलोमीटर तक लोगों को जाती है। लोगों को शक होता है कि हमारे बगल में ही धमाका हुआ है। कई लोग यह फेसबुक पर लिखते हुए दिखे कि अभी अभी मैंने देखा कि हमारे घर के आसपास या घर में गूंजने और हिलने की आवाज़ आई। और समझिए कि जहां पर यह धमाका हुआ है वहां से 2 थाना बेहद नज़दीक है। पहला ततारपुर थाना जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत वो जगह आता है, वहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और उनके ऊपर आरोप यह है कि इस मकान में पटाखा बनाने का काम अवैध रूप से होता था। थोड़ी ही दूरी पर बात करें तो कोतवाली थाना आता है। कोतवाली थाना जहाँ खुद IPS बैठते हैं, उनका कार्यालय है, वहीं पर एक IPS अधिकारी का आवास भी है, सरकारी आवास भी है और वो बिल्कुल शहरी क्षेत्र है जो कि मार्केट से सटा हुआ इलाका है। इस तरह लगातार इस भागलपुर की यदि बात करें तो वहाँ करीब आधा दर्जन IPS अधिकारी और DSP लेवल के अधिकारी बैठते हैं। बात ऊपर करें DIG से लेते हुए SSP की बात करें, CTSP की बात करें, ASP की बात करें या फिर DSP हेडक्वार्टर या लॉ एंड ऑर्डर, इतने दिग्गज वहाँ IPS और पुलिस अधिकारी बैठते हैं। उसके बाद भागलपुर में यह बम धमाके की घटना पहली घटना नहीं है। यदि आम लोगों से पूछा जाए तो आए दिन कोई ना कोई धमाके की गूंज उन्हें सुनाई देती है। किसी को पता नहीं है कि बगल वाले घर में क्या रखा हुआ है, किसी को यह भनक नहीं है। कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बम के आतंक से परेशान है, बारूदों के ढेर पर बैठा हुआ है। पिछले ही साल 2021 की बात करें तो सिर्फ दिसंबर महीने में यदि हम चलें तो दिसंबर महीने में 5 से 6 बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं और इसमें जाने भी गई हैं। ये बम विस्फोट केवल ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक छोटा धमाका हुआ और वो निकल गया, इसमें कई लोगों की जाने गई। जिस जगह पर आज धमाका हुआ है, गुरुवार की रात जिस जगह पर धमाका हुआ है, वहां भी धमाके की गूंज पहली बार नहीं सुनाई दी। ये गूंज 2021 में भी सुनाई दी इस जगह पर। कुछ समय, कुछ साल पीछे चलें तो भी धमाके हुए थे और उसमें जाने भी गई थी। तब भी यही थ्योरी सामने आ रही थी कि यहां पर बारूद और पटाखे का खेल होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऐसी घटनाएं जब लगातार सामने आ रही है उसके बाद पुलिस की नींद क्यों नहीं खुल रही? आखिर ये आधे दर्जन IPS अधिकारी वहां करते क्या है? क्या कोई भी खुफिया एजेंसी ये जानकारी नहीं दे पाती? क्या पुलिस के सूत्र भी इतने कमजोर हो गए हैं
कि यह जानकारी सामने नहीं आ पाती है कि ये सामने बीच बाजार में रह रहे घर में इतना बड़ा खेल चल रहा है जो बारूद के ढेर पर शहर बैठ चुका है और इसकी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं है। जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद एक दर्जन ही अधिकारी क्यों ना खड़े हो जाएं, लेकिन सवाल वो घर भी पूछता है जिस घर से लाशें निकल रही हैं। इस धमाके को लेकर भले ही कोई कार्रवाई सामने हो जाए आ जाए, लेकिन वह सवाल आज भी सबके बीच मौजूद है कि आखिर यह भागलपुर पुलिस के लिए इतनी बड़ी लापरवाही ये आज की खबर नहीं है। लगातार पिछले कुछ सालों से देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसा हो चुका है, चाहे हम नाथनगर की बात करें, चाहे हम ये ततारपुर क्षेत्र की बात करें, तो बम बनना और बम के धमाके ये आम है। और पुलिस का जो भी इस पर प्रतिक्रिया है या जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद भी कुछ थमने और रुकने का नाम नहीं लेता है। क्या पुलिस कभी सख्ती से या गंभीरता से इस मामले को देखेगी? लोगों के रिएक्शंस यदि हम सोशल मीडिया पर देखें तो वो इतने नाराज हो चुके हैं कि उनका कहना है कि फिर वही होगा, कुछ एक चीजें, कुछ बातें, कुछ दिन और फिर काम खत्म, फिर से एक धमाके की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो ये लापरवाही साफ साफ स्पष्ट तौर पर है कि आप यदि भागलपुर पुलिस यदि आज कहती है या फिर डीएम का ही बयान सामने आ रहा है कि ये धमाका जो है अवैध तरीके से पटाखे बनाने वाले लोगों के कारण हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि फिर आप वहां क्यों हैं? आखिर आपको किस ड्यूटी के लिए रखा गया है जब आप धमाके के बाद बता पाते हैं कि ये धमाका अवैध तरीके से बन रही चीजों के कारण हुआ है? थाने के महज चंद मीटर दूरी पर इतना बड़ा धमाका होना, आईपीएस अधिकारी के आवास के पीछे के क्षेत्र में ये धमाका होना, और ऐसा धमाका जिससे चार के चार घर जमींदोज हो गए, मलबे के अंदर से सब लगातार निकलते जा रहे हैं, और अब हम आपको ताज़ा जानकारी दे दें कि इस मामले की जांच करने के लिए अब एटीएस की टीम भी भेज दी गई है, यानी अब जो है वो आतंकी कनेक्शन को जोड़ करके भी इसकी जाँच की जाएगी। वहीं साथ ही बीडीडीएस की टीम भी गई है, जो बॉम्ब डिटेंशन एंड डिफ्यूजल स्क्वाड की जो टीम है वो भी अब भागलपुर के लिए रवाना हुई है। तो इसके कई अब ये मामला चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है, तो ये मामले में अब कुछ ना कुछ कार्रवाई उस स्तर से होगी। लेकिन सवाल इस वीडियो का, इस हम आपके सामने जो ये सवाल लेकर के आ रहे हैं, वो सवाल सिर्फ और सिर्फ अभी इस पर फोकस है कि आधा दर्जन पुलिस अधिकारियों की फौज वहां है, आईपीएस डीएसपी लेवल के इतने अधिकारी जस्ट एक से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और तैनात हैं, उसके बाद भी इस शहर में लगातार हो रहे बम धमाके, आखिर आम लोगों के लिए ये अधिकारी हैं या फिर कार्रवाई बाद में ही करने के लिए इन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है? यह सवाल हम आपके साथ छोड़ जाते हैं और इस सवाल को हम बार बार पूछते रहेंगे जब भी कभी ऐसी लापरवाही सामने आएगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।